Vikrant Group of Institutions. Where were our students placed? Two top-notch companies in the country. We stand apart with our unique teaching style through study tours, industry visits, workshops, seminars, and other personality development programs. Vikrant Group of Institutions. Leadership through learning. ये रहा कि इंदौर के अंदर कल की तारीख में जो है वो 1375 सैंपल्स लिए गए थे और उन सैंपलों में से जो जांच की गई थी 1026 सैंपलों की जांच की गई, उन सैंपलों में 91 जो है वो पॉजिटिव आए हैं और जो है वो 935 नेगेटिव सैंपल्स आए हैं। अभी तक कुल मिला के हमारे पास 2107 सैंपल्स पॉजिटिव हो चुके हैं और मृत्यु का आंकड़ा कल की 3 मृत्यु मिला के और जो है वो उसके 95 हो चुकी है। और बाकी कल संस्था का जो जहाँ पर भर्ती थे पेशेंट, उन भर्ती पेशेंटों में से कल 48 को डिस्चार्ज किया गया था और उन डिस्चार्ज को कुल मिला के जो है हमारे पास अभी एक जो है वो 974 डिस्चार्ज हो चुके हैं। कुल मिला के अगर एक आंकड़ा देखें तो लगभग 48% जो है वो क्योर होके जा चुके हैं। अभी जिन लोगों का अभी इलाज चल रहा है उनमें 1000 जो है वो 38 लोग अभी भी एडमिट है, जो भी जल्दी स्वस्थ होकर घर जा सकते हैं। और हाँ, कुछ उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के जो है उसमें भी पॉजिटिव आए हैं, पर ये अच्छी बात है कि मैक्सिमम जो भी पाए गए हैं वो एक अधिकतर जो है पहले से पुराने पॉजिटिव एरिया हैं, उन्हीं के घर के कुछ सदस्य हैं, नए कुछ कम लोग हैं। टोटल स्क्रीनिंग की संख्या तो अभी वर्तमान में मेरे पास अभी नहीं है, पर हम जो भी स्क्रीनिंग करवा रहे हैं उन सभी लोगों की करवा रहे हैं। पहले जो है सैंपलिंग की संख्या कम होती थी, लेकिन अब सैंपलिंग जो है वो जांच की दायरा भी बढ़ चुका है, तो जहां पर भी हमें ऐसा सस्पेक्टेड लगता है तो हम उनके परिवार की जो है पूरी करवाते हैं, पॉजिटिव केसेस के सभी की स्क्रीनिंग के बाद में उनकी सैंपलिंग करवा रहे हैं, तो जिसके कारण ही जो है वो अभी कंट्रोल की स्थिति बनी हुई है। एक ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ मृत्यु दर भी काफ़ी कम हो चुका है, लगभग 4.5% के आसपास मृत्यु दर है, लेकिन अब जो है वो पहले शुरू में जो डेथ हुई थी उसके कारण बढ़ा हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी कम है, कंट्रोल में है। ऐसे सीरियस या गंभीर मरीज कम हैं और जल्दी ठीक होने की संभावना है इनकी। अभी की तारीख में यही देखा गया है कि अब जो केसेस हैं मैक्सिमम जो है वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, उनका रेजिस्टेंट पावर्स बहुत अच्छा है, इसके कारण उन्हें सिम्टम्स नहीं आ रहे, लेकिन वो कैरियर तो हैं। ऐसे कैरियर्स को पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फैलाने का काम यही कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी पेशेंट हमें लगता है कि ये कोई फर्स्ट कांटेक्ट में आ चुका है या जिनका घर में या ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ चुका है जो पॉजिटिव है और उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो हमें उसको जो है वो मॉनिटरिंग करना है और उसकी सैंपलिंग करवाना है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स ज़्यादा खतरनाक है बजाय सिम्प्टोमेटिक्स के।